रानी चटर्जी का जन्म भले ही मुंबई में हुआ था, लेकिन बॉलीवुड के बजाय उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का रुख किया और बड़ा नाम बनी। जी हाँ, यहाँ तक कि एक बार खुद सलमान खान ने उनकी तारीफ की थी। खुद रानी चटर्जी ने एक वाक्या याद करते हुए बताया कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी। इस दौरान सलमान खान ने कहा था कि इनको तो मैं जानता हूँ, इनके पोस्टर्स मैंने देखे हैं। रानी चटर्जी कहती हैं कि जब मैं बॉलीवुड के लोगों से मिलती हूँ तो वे पूछते हैं कि क्या तुम भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी हो। अच्छा लगता है जब लोग आपको नोटिस करते हैं। अपने करियर में बॉलीवुड मूवीज ना करने को लेकर रानी चटर्जी कहती हैं कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। रानी चटर्जी कहती हैं कि मैंने बहुत छोटी उम्र से एक्टिंग करना शुरू किया। उस वक्त तो किसी बच्चे को ये भी नहीं पता होता था कि आखिर करियर क्या होता है। जो मिल गया अच्छे से मिल गया, मैं स्टार बन गई और क्या चाहिए। रानी चटर्जी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग में आऊँगी। मैं जब 10वीं क्लास में थी तब पहली मूवी की थी मैंने। एक डायरेक्टर ने हीरो के साथ मेरी एक तस्वीर देखी थी। यह तस्वीर मैंने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान खिंचवाई थी। इस फोटो को देखकर ही डायरेक्टर ने मुझे मूवी ऑफर की थी। इस पर मेरा सवाल ये था कि मेरे अपोजिट एक्टर कौन होगा। डायरेक्टर ने बताया कि आप मनोज तिवारी के साथ काम करेंगी। इस तरह से करियर की शुरुआत हो गई। ससुरा बड़ा पैसे वाला, दामाद जी, दिल जले, छैला बाबू, देवरा बड़ा सतावेला जैसी फिल्मों में एक्टिंग करने वाली रानी चटर्जी का फिल्मी करियर 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। हालांकि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम रानी चटर्जी नहीं है बल्कि सबीहा शेख है। यह नाम उन्होंने सिर्फ फिल्मी दुनिया के लिए रखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने इस नाम को लेकर भी रानी चटर्जी ने दिलचस्प किस्सा सुनाया था। जी हाँ, रानी चटर्जी कहती हैं कि हम 2004 में ससुरा बड़ा पैसे वाला मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान हम एक सीन की शूटिंग के लिए मंदिर पहुंचे थे। सीन में मुझे मंदिर पर मत्था टेकना था। जी हाँ, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, इसलिए डायरेक्टर ने सोचा कि मैं मुस्लिम हूँ और मंदिर में मेरा सही नाम बताने से विवाद हो सकता है। इसके चलते उन्होंने मेरा नाम वहाँ रानी बताया था। इसके बाद जब उन्होंने सरनेम पूछा तो डायरेक्टर ने चटर्जी बताया। यहीं से मेरा नाम रानी चटर्जी हो गया। और उस वक्त रानी मुखर्जी का नाम बहुत फेमस था और फिर मैंने यही नाम अपना लिया। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी से। सुरभि की रिपोर्ट।